5 अक्टूबर को सिरसा की भी सभी पांचों सीटों से मैदान में उतरे प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। वोटिंग के बाद सभी ईवीएम मशीनों को सीडीएलयू में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। सिरसा जिले की पांचों विधानसभा सीटों सिरसा, डबवाली, कालांवाली, रानिया और एलानाबाद के मतों की गिनती सीडीएलयू में बनाए गए मतगणना केंद्रों में होगी। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3-लेयर सिक्योरिटी का विशेष प्रबंध किया गया है। सीसीटीवी से भी ईवीएम मशीनों पर निगरानी रखी जा रही है। मतगणना के लिए सुरक्षा, सफाई और पेयजल की भी पूरी व्यवस्था करवाई जा रही है। इसी के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रवेश के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। हर विधानसभा के मतों की गिनती के लिए 14-14 टेबल लगाई गई है। सिरसा जिले के अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने मीडिया को बताया कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी विधानसभाओं के मतों की गिनती के लिए 14-14 टेबल लगाए गए हैं। सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच बैलेट पेपरों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी। मतगणना के दिन हर विधानसभा के लिए आरओ भी नियुक्त किए गए हैं। कल हमारी जितनी पांचों विधानसभाएं सिरसा में डिस्ट्रिक्ट में उनकी मतगणना जो है कल करी जाएगी, और ये जो हमारा सीडीएलयू का कैंपस है उसी में हम सबके काउंटिंग स्टेशन है, वहीं पे इसको टेकअप करा जाएगा। और इसके लिए जो है 3-टियर जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको सेटअप कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और सुबह ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। सुरक्षाकर्मी हमारे की एग्जैक्ट तादाद तो नहीं है हमारे पास, पर ये 3-लेयर जो कॉर्डनिंग सिस्टम है उसके बिहाफ पे चलते हैं। इसमें हमारी जो स्टेट की आर्म्ड पुलिस होती है वो प्रेजेंट होती है, जो स्टेट की पुलिस होती है वो प्रेजेंट होती है, और एक CRPF या जो हमारे आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनकी भी एक जो लेयर होती है इसमें प्रेजेंट होती है। तो इनका यही पर्पस रहता है कि पूरी तरह जो ईवीएम्स हैं उनकी सिक्योरिटी को करा जाए और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी तरह मेंटेन करी जाए। जी बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे भी ईवीएम्स को स्टोर किया गया है उनका 24/7 जो लाइव सीसीटीवी का फीड है वो हमने अपने पोलिंग अपने जो काउंटिंग सेंटर से उनके बाहर दिया है, ताकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एजेंट्स हैं या कंसर्न सिटीजन हैं वो लगातार देख सकें कि ईवीएम्स कहाँ पड़ी हैं, और वो ताकि वो देख सकें कि वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। तो इसके लिए जो प्रोविजन है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द्वारा किया गया है। नहीं नहीं, जैसे हमने सिरसा वासियों से देखा कि बढ़ चढ़कर इन्होंने वोटिंग प्रोसेस में पार्ट लिया। सिरसा का जो मतदान प्रतिशत है वो हरियाणा में काफ़ी अच्छा है, जिस तरह हमने रिक्वेस्ट की थी सिरसा वासियों ने हमारे अभियान को आगे बढ़ाया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी जो प्रोसेस होगा वो शांतिपूर्वक अपने चरण में चलेगा और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं सिरसा वासियों को एक बार फिर भारी मात्रा में जनगणना में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो शांतिपूर्वक इस चरण को भी पूरा करवाएं। मतगणना हमारी जो होगी सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में जो हमारा पोस्टल बैलेट का प्रोसेस है वो शुरू होगी, उसके उपरांत जो है ईवीएम्स को लाया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने सिरसा की जनता से अपील की है कि जैसे मतदान शांतिपूर्वक हुआ है उसी तरह से जनता मतगणना में भी सहयोग करें और चुनाव का ये चरण भी शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो सके। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।